हेलो एवरीवन, मैं हूं राज चौहान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम डॉक अकाउंट को कैसे आप अनलॉक कर सकते हैं, चाहे आपके पास आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर जो ईमेल एड्रेस है जिससे कि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट को आपने क्रिएट किया है, अगर उसका एक्सेस भी आपके पास नहीं है तो कैसे आप उसे अनलॉक कर सकते हैं, उसी पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पीछे के रीज़न की, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे लॉक क्यों कर दिया जाता है। इसके पीछे हो सकता है कि जो मल्टीपल जो एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस हैं या फिर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उसे अगर आप वायलेट करते हैं तो आपका जो अकाउंट है उसे टेम्परेरी लॉक कर दिया जाता है। तो कैसे आप इसे अनलॉक करेंगे, और आपको बता दूं कि अगर आप 30 डे के अंदर आप अपने अकाउंट को अगर आप अनलॉक नहीं करते हैं तो इसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि कैसे आप इसे अनलॉक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको इंस्टाग्राम को सबसे पहले लॉग इन पेज पर जाना है और आपको यहाँ पर जो है गेट हेल्प लॉग इन का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइंड योर अकाउंट, आपको एक यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको जो है अपना यूजर नेम जो कि आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम है उसे आपको फिलअप करना है, या फिर आपका जो फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस है उसे भी आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों के पास उनका जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस है उसका कोई एक्सेस नहीं होता है तो उसे भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको फाइंड अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपको शो हो जाएगा। और आपको बता दूं कि अगर आपके पास आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस का कोई भी एक्सेस नहीं है जिसमें कि आपको ओटीपी आता है, और इस पर आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप जो पासवर्ड है उसे भी अगर आप भूल गए तो उसे भी आप जो है यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आप फाइंड अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर फ़ोन ओटीपी का आपको एक ऑप्शन मिलेगा या फिर फ़ोन कोड का एक ऑप्शन मिलता है तो डायरेक्टली आप इसे अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ईमेल या फिर फ़ोन नंबर का कोई एक्सेस नहीं है तो उसे आप कैसे अनलॉक करेंगे, उसी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको करना क्या है कि कांट रीसेट योर पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्राई अनदर वे का एक दूसरा ऑप्शन मिलता है तो आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 या 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि आई फॉरगॉट माय पासवर्ड एंड कांट रीसेट इट, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन है माई अकाउंट वॉज हैक। तो इन दोनों ऑप्शन में से किसी को भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको 2 ऑप्शन शो होंगे। जो पहला ऑप्शन है उसमें ये शो करता है कि अगर आपने इंस्टाग्राम में अपनी फोटो अपलोड की है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको ये बताएगा कि आपने अभी तक जो आपकी फोटोज़ हैं जो रियल फोटोज़ हैं उसे आपने इंस्टाग्राम में अपलोड नहीं किया, तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो अगर आपने किया है तो फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, और अगर नहीं किया है तो आपको सेकंड ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपको जो ईमेल एड्रेस है उसे पूछेगा, तो जिस भी ईमेल एड्रेस का आपके पास एक्सेस है उसे आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे आप फिलअप करेंगे तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके पास जो ईमेल एड्रेस आपने फिलअप किया है उस पर आपको एक ओटीपी कोड आएगा, तो आपको उसे यहाँ पर फिलअप करना है। और हो सकता है कि यहाँ पर जो है फिलअप करने के बाद थोड़ा लोडिंग में टाइम ले सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो सेल्फी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो जिस साइड आपको ये एरो का निशान शो होता है आपको अपने फेस को उस साइड मूव करना है, और उसके बाद जो है आपको जैसे ही वीडियो सेल्फी का जो ऑप्शन है ये जो है कंप्लीट होता है तो आपको इसे सबमिट कर देना है। तो इसमें जो है आपको सबमिट होने में थोड़ा टाइम ले सकता है, वो आपकी नेट की जो कनेक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है। सबमिट होने के बाद आपको डन का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको डन पर क्लिक करना है। और इसके बाद जो आपका मेल एड्रेस है उस पर आपको एक मेल आएगा जिसमें कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर आपका जो रिक्वेस्ट है उसे रिव्यू के लिए पूछेगा, लेकिन मोस्टली ये 5 या 6 घंटे के अंदर ही हो जाता है। और जैसे आपका जो ये आपकी रिक्वेस्ट है जैसे रिव्यू हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर आपको एक मेल आएगा जिसमें कि आपका जो रिव्यू है वो सक्सेसफुली आपको दिखा देगा। और इसके बाद आपको जैसे ये मेल में आपको रीसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड आप जो है दोबारा से रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप रीसेट करते हैं तो आपको दोबारा से लॉग इन करना है न्यू पासवर्ड के साथ, और आपका जो लॉक अकाउंट है वो आसानी से अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इंस्टाग्राम के जो टेम्परेरी लॉक अकाउंट है उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। उसमें चाहे आपका जो मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है उसका अगर आपके पास एक्सेस भी नहीं है तो आप उस तरीके से आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।